दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर गांव पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक। जनपद के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिंदा निवादा कहंजरी में किसानों और ग्रामीणों से विधायक ने की बात। गांव में लोगों के साथ लगाई चौपाल, आम आदमी पार्टी की बताई नीतियां, गांव की दुर्दशा पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी से विधायक हैं गिरीश चंद सोनी। जनपद कानपुर देहात में चल रहा है भ्रमण, आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे विधायक। मादीपुर विधानसभा से विधायक हूँ दिल्ली से, और रिजर्व सीट है वो, एससी सीट है। मैं एससी जाटव कम्युनिटी से आता हूँ, तो लगभग 3 बार हम वहाँ से विधायक रहे हैं, 3री बार जीते हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ आने का, पार्टी ने हमें ड्यूटी लगाई है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का प्रचार हुआ है सरकार का, दिल्ली की सरकार का जो प्रचार हुआ, उस प्रचार में ये गया है लोगों के, उत्तर प्रदेश में गया, हरियाणा में, काफ़ी प्रदेशों में, कि दिल्ली ने एक ऐसी सरकार चला के दिखाई है, ईमानदार सरकार चला के दिखाई है। उस मॉडल को सभी देखने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा होगा विदेशों के अंदर जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बने थे, जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान जी उसे देखने के लिए आए थे, तो क्यों आए थे, मतलब विदेशों से कई लोग उनको देखने आए मोहल्ला क्लिनिक, कि ये क्या मॉडल है। तो ये छोटा सा क्लिनिक यहाँ आज खोलिए, लाखों रुपया सरकार खर्च कर देती है उस पर, और वहाँ कुछ ही चंद लाख रुपए में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक, बिल्कुल एसी हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें 120 तरह के टेस्ट होते हैं, MBBS डॉक्टर आपको देखता है, तो इससे लगता है कि आपकी स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, मतलब। और दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर जो काम हुआ है, दिल्ली की शिक्षा में जो काम हुआ है, हालांकि मैं समझता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, जैसे कानपुर गया था, आगरा में गया, आगरा में सब लोगों को पहले से पता है दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, कि हम दिल्ली मॉडल पे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना के, कि भी हमने दिल्ली में ये काम किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप ये देखना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह की सरकार चुननी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार चुननी। अपने काम पर, विकास के नाम पर यहाँ पर लोगों से वोट मांगी, ये लोगों को ये नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ किसी की बुराई करने नहीं आए हैं, सिर्फ हम ये गिनाने आए हैं कि देखिए दिल्ली की सरकार ने ये कर दिखाया है, और ये वाकई कर दिखाया है। आप दिल्ली के अंदर जाके देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर पता कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है, दिल्ली के अंदर 20,000 महीने का लीटर पानी फ्री है, दिल्ली के अंदर महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये विधवा पेंशन आती है। पंचायत चुनावों के अंदर यही है कि भाई हम कुछ समर्थित ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं या हमारे मॉडल को समझते हैं, तो फिर इसका असर नेचुरली आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। तो हम यहाँ, मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि यहाँ पार्टी का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत खुश होते हैं जब लोग आने देखते हैं, लेकिन अभी वोट के मामले में थोड़ा बहुत अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ आप दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा है शायद ये लोग अब उत्तर प्रदेश में भी पैर पसारने लगे हैं, आ गए हैं, और हमारे जैसे जिस तरह से ये अध्यक्ष लगे हुए हैं, हमारे दिवाकर जी और हमारे जितने भी हैं, ये शुक्ला जी हैं, दिवाकर जी हैं, साझा जी हैं, इन लोगों के कंधों पर हम समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में एक नई टीम ला के खड़ा करके एक नया जोश भर सकते हैं और दिल्ली के मॉडल को लागू कर सकते हैं।